एक और होमोफोन है और वो है वर्ड मैरी। जब मैरी बोला जाए तो हमारे माइंड में दो स्पेलिंग आने चाहिए, MARRY और MERRY, और दोनों के अलग ही मीनिंग हैं। हालांकि दोनों के मीनिंग बहुत इजी हैं, लेकिन जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं और अगर उसका मीनिंग समझ रहे हैं टेक्स्ट का, तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन एप्लीकेबल होगा। मैरी MARRY जैसे हम जानते हैं मैरिज से बना है, और दूसरा है MERRY जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पी या हैप्पीनेस। जैसे क्रिसमस में हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, तो उसमें वो MERRY होता है।